वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्टैटिक जीके में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी स्टैटिक जीके को पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने जो ये वाला पार्ट है वो हम क्या करेंगे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट जो क्या है भी, जितने भी कॉन्टिनेंट्स, टोटल कॉन्टिनेंट्स हमारे पास कितने हैं भी, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। तो हम क्या करेंगे भी यहाँ पे उन 7 कॉन्टिनेंट्स के लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट दोनों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भी अपने। सबसे पहले हम देखेंगे किसको, सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे जो भी हमारे कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एशिया है, एशिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, माउंट एवरेस्ट है। और ये कहाँ पे है भी, तिब्बत या नेपाल। और इसकी जो हाईएस्ट जो पीक है वो कितनी है, 8848 मीटर। तो कभी कभी पीक सीधा पूछ लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट की जो पीक है वो कितने हाई, मतलब कितने मीटर की है। तो 8848 ध्यान रखना। और ये हमें क्या दिख रही है, हमें दिख रही है कि वर्ल्ड में भी क्या है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कहाँ की, एशिया की। उसके बाद अगर अफ्रीका की कोई पूछता है हमसे, तो अफ्रीका के लिए हमारे पास माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है, तंजानिया में पड़ता है। और इसकी देखो कोई पूछेगा नहीं, फिर भी मैंने लिख रखा है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में माउंट किनली है, उसकी क्या है भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका में। नेक्स्ट आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हमारे पास क्या है भी, माउंट एकॉनकागुआ है, कहाँ पे, अर्जेंटीना में, ठीक है, ये क्या है भी इसकी हाईएस्ट पीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है क्या, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारे पास विंसेंट मासिफ है ना। और यहाँ पे क्या है भी, विंसेंट मासिफ एलोवर्थ माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो क्या है अंटार्कटिका में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं कि यूरोप, यूरोप में हमारे पास क्या है भी, एल्ब्रस। और एल्ब्रस हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पीक है। और ये कहाँ पड़ती है, रशिया या जॉर्जिया में। और लास्ट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है भी, ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कॉस क्यूएस्को। और ये कहाँ पड़ती है भी, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो कॉन्टिनेंट है ना, जो ये हमारे पास कॉन्टिनेंट है, आप देख सकते हो कि टोटल कितने हैं, 7 है। और ये क्या है भी, उनकी हाईएस्ट पीक है। और ये सब किस में, मीटर्स में है, ठीक है भी। अब हाईएस्ट देख लिया है तो अब देख लेते हैं कि लोएस्ट पीक कौन कौन सी हमारे पास। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैंने लिखा है एशिया। तो एशिया में जो कह सकता हूँ, जो लोएस्ट कह सकता हूँ कि एशिया में जो हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है भी, डेड सी। तो डेड सी एशिया का क्या लोएस्ट पॉइंट है, जिसकी जो कह सकता हूँ कितनी गहराई है, बिलो सी लेवल। यहाँ पे क्या है, BSL का मतलब है बिलो सी लेवल, 409 मीटर बिलो सी लेवल है। उसके बाद मैं देख सकता हूँ जो अफ्रीका कंटिनेंट है, तो अफ्रीका में लेक असाल है। और इसकी जो कह सकता हूँ जो कितनी है, 156 मीटर BSL है। तो पूछेगा नहीं कोई वैल्यू, बट क्या है कि मैंने लिखती हैं। उसके बाद आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो है डेथ वैली। साउथ अमेरिका में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है ना हमारे पास कौन सा है भी, हमारे पास वेल्डीज पेनिनसुला है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, और यही हमारे पास क्या है, वर्ल्ड का लोएस्ट पॉइंट है, क्या, डैनमान ग्लेशियर है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यूरोप है, तो यूरोप में हमारे पास सबसे कह सकता हूँ जो लोएस्ट पॉइंट है वो क्या है भी, कैस्पियन सी है, क्या है भी हमारे पास, कैस्पियन सी है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है भी, लेक आयर है। और ध्यान देना कि यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ कैस्पियन सी के बारे में, कि ये वर्ल्ड की क्या है भी, लॉन्गेस्ट लेक भी है। क्या है, ये वर्ल्ड की सबसे लंबी लेक है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक, वर्ल्ड्स की सबसे लॉन्गेस्ट लेक भी कौन सी है, कैस्पियन सी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी भी, छोटा सा एक वीडियो था ताकि मैं आपको बता सकूं क्या कि हाईएस्ट और जो लोएस्ट पॉइंट है, हम पॉइंट है हमारे पास ईच कॉन्टिनेंट का, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। तो आप इसका भी आइडिया रखना, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं भी, एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस गाइज, थैंक यू।